तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बिग बॉस से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं इस बार बिग बॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, और ये बिग बॉस जो शो है मैं एक ही कंटेस्टेंट की वजह से देख रहा हूँ, जो कि है मुनव्वर फारूकी। और आई एम अ बिग फैन ऑफ मुनव्वर फारूकी, और मैं उसकी पूरी जर्नी बिग बॉस में देख रहा हूँ। लेकिन बिग बॉस में मैं देख रहा हूँ कि मुनव्वर फारूकी के लिए जो है कुछ नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। जैसा कि जो भी लोग बिग बॉस शो देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि आजकल मुनव्वर फारूकी को बार बार कहा जा रहा है, इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी गेम में जीरो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि ईशा मालविया और समर्थ, जो कि बार बार ये बात पे बार बार कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी जीरो है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जब कैप्टनसी का टास्क हो रहा था, जब ईशा मालविया और औरा और मुनव्वर फारूकी थे, और मुनव्वर फारूकी ने कन्विंस किया था ईशा मालविया को कि ये कैप्टनसी जो है अंकिता को दी जाए, और उसके बाद जब ये कैप्टनसी मनारा को नहीं मिली तो मनारा जो है ईशा से कह रही थी कि आपने मुझे क्यों नहीं चूज़ किया। तो उस टाइम पे जब ईशा मालविया ने मनारा से कहा कि मुनव्वर की पर्सनालिटी ऐसी है कि आप उससे अगर बात करोगे तो आप कन्विंस हो जाओगे, इस तरीके की पर्सनालिटी है। कल हमने देखा कि जब ईशा मालविया जो है जब नॉमिनेशन का टास्क हो रहा था तो ईशा मालविया ने जो है मनारा को नॉमिनेट किया, फिर मनारा और ईशा की फाइट हो रही थी तो ईशा मालविया ने कहा कि मनारा से कहा कि ये जो बिग बॉस शो है, बिग बॉस शो मनारा के लिए ऑल अबाउट बिग बॉस इज मुनव्वर फारूकी। तो ये दोस्तों, ये सब बातें कही जा रही है ईशा मालविया के जरिए, और ये बार बार फैलाया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी जीरो है। और एक तरफ ये भी बातें कहा जा रही है कि मुनव्वर की पर्सनालिटी ऐसी है, मनारा तुम्हारा पूरा बिग बॉस शो जो है वो मुनव्वर फारूकी पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इन सब बातों से पता लग रहा है कि ईशा मालविया कहीं ना कहीं मुनव्वर की पर्सनालिटी को जानती हैं। लेकिन एक तरफ ये नेगेटिव सेट करना, ये नेगेटिविटी सेट करना कि मुनव्वर फारूकी जीरो है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो सोच चुकी हैं कि मुनव्वर फारूकी ही विनर है, और मेकर्स को और जो बिग बॉस की ऑडियंस है उनको ये शो किया जाए कि मुनव्वर फारूकी जीरो, ये नैरेटिव सेट किया जाए कि मुनव्वर फारूकी जीरो है, ये बात पे उनको शो किया जाए कि मुनव्वर ट्रॉफी ना लेके जा पाए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो ईशा मालविया है ये अपने एक तरफ कह रही है कि मुनव्वर फारूकी की पर्सनालिटी ऐसी है, मुनव्वर फारूकी का गेम आप पे पूरा टिका हुआ है, ये सब बातें शेयर कर रही है, और एक तरफ कह रही है कि मुनव्वर फारूकी जीरो है। तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। या तो ईशा मालविया मुनव्वर फारूकी को समझ चुकी हैं कि यही विनर है, इसलिए ये नैरेटिव सेट कर रही हैं कि बिग बॉस के ऑडियंस और जो बिग बॉस के मेकर हैं और जो भी मुनव्वर फारूकी के फैन हैं, ये देखें कि मुनव्वर फारूकी कुछ नहीं कर रहा है, ये नैरेटिव सेट कर रही है। तो मैं ईशा मालविया को बता दूं कि ये जो बिग बॉस शो है, इस मुनव्वर फारूकी की ही वजह से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ना कि आपकी वजह से। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईशा मालविया और समर्थ आनंद बिग बॉस की जो ट्रॉफी है वो डोंगरी वाला ही लेके जाएगा, और जो मुनव्वर के बारे में आप कह रहे हैं जीरो जीरो, तो मुनव्वर जीरो नहीं है, हीरो है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।